हाँ तो भाई लोगों, फायरबोल्ट की तरफ से उनका एक नया स्मार्टवॉच सीरीज लॉन्च होने वाला है जिसका नाम होगा फायरबोल्ट K6 सीरीज। भाई इस सीरीज में आपको तीन नई स्मार्टवॉच देखने मिलेगी जिसमें कि पहले का नाम होगा फायरबोल्ट डायबलो, देन सेकंड होगा फायरबोल्ट एलिमेंटो, देन थर्ड होगा फायरबोल्ट हुरिकन। भाई इसमें आपको तीन स्मार्टवॉच मिलेगी और तीनों के फीचर्स एकदम सेम होंगे। अब आप बोलोगे यार फीचर जब सेम है तो फिर चेंज क्या है? भाई देखो इनकी डिजाइन है ना, उनमें काफी बड़ा चेंज आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे स्मार्टवॉच ऐसी होती है जिनका फीचर्स अच्छा होता है तो डिजाइन अच्छी नहीं होती, डिजाइन अच्छी होती तो फीचर्स अच्छे नहीं होते। तो इस बार में भाई कोई कंप्लेंट ना हो इस वजह से फायरबोल्ट ने सेम फीचर्स के साथ में तीन नए स्मार्टवॉच लॉन्च करने का प्लान किया है जिसमें कि जो आपको पसंद आ रहा हो वो आप ले सकते हैं, फीचर्स भी आपको सेम मिल जाएंगे। लेकिन भाई इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको फीचर्स वगैरह सब कुछ बताए थे, लेकिन भाई उसमें ही आपको काफी सारे कमेंट है कि भाई प्राइस रेंज क्या रहेगी। भाई देखो कंप्लीटली प्राइस आपको बताऊंगा कि भाई क्या प्राइस का आया है। भाई एक बार बता दूं इसका जो प्राइस आया ना, मैंने सोचा नहीं था भाई इतना तगड़ा प्राइस आएगा, बहुत ही भाई ज्यादा प्राइस आया है, बहुत ही ज्यादा। अभी आपने देखा होगा नॉइस फिट वोयाज लॉन्च हुई है 10,000 रुपए की, एक कॉलिंग स्मार्टफोन जो कि 4G कॉलिंग के साथ में है। उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं भाई जब 10,000 की नॉइस के हम वॉच लेंगे उससे अच्छा हम सैमसंग की वॉच फोन ना ले लें, वो भी आपको 4G कॉलिंग के साथ में देखने मिलती है। तो भाई आप ये मान के चल सकते हो कि ये जो फायरबोल्ट का K6 वॉच है ना, जो सीरीज वाला वॉचेस है, वो भी आपको इसी कैटेगरी में मिलेगा। यानी कि बिल्कुल एकदम प्रीमियम फीचर्स तो हैं लेकिन प्रीमियम एक प्राइस भी आपको देखने मिलेगी। अब वो प्राइस क्या होगी, लॉन्च डेट क्या होगा, क्या चीजें मिलेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस वीडियो में एंड तक रहना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। एंड भाई सबसे पहले एक चीज और कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो सेल की जो डील्स होती है भाई आपको वहीं पर देखने मिलती है। बहुत से ऐसी डील्स आती है जो कि भाई मैं वीडियो बनाकर नहीं बता सकता हूं, वो आपको वहीं पर देखने मिलेगी। तो जाओ ज्वाइन कर लो, लिंक आपको दूंगा नीचे। अब बात आती है भाई इन वॉचेस की जो प्राइस होगी वो क्या होगी। देखो भाई सबसे पहले बात आती है इनकी फीचर्स, मैं आपको मोटे मोटे फीचर्स बता देता हूं, फिर आप मुझे बताना कि भाई इन फीचर्स के बेस पे इसका जो प्राइस है वो कितना रहना चाहिए था। देखो सबसे पहले मैं डिजाइन की बात करूंगा। डिजाइन में भाई देखो यहां पर आपको जो सीरीज का नाम रखा गया है ना K6 सीरीज, तो K6 के हिसाब से आपको यहां पर एक अलग से केस देखने मिलेगा। देखो फंडा समझना, इस सीरीज का फंडा बिल्कुल समझना, एक बिल्कुल एकदम नॉर्मल वॉच जो ऐसी वॉच होती है वही आपको यहां पर देखने मिलेगी, लेकिन अलग अलग नाम के हिसाब से अलग अलग डिजाइन है। आप ऐसे मानो कि एक अलग अलग से केस आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको जो वॉच है वो डालना है और आपका एक नया वॉच बन जाएगा। दो वॉचेस आपको देखने मिलेगी, जो सीरीज है वो तो आपको मिलेगी लेकिन एक आपको ऐसा एक नॉर्मल सा डिजाइन मिलेगा और एक जो सीरीज के जो वॉचेस के नाम है उसके हिसाब से एक अलग से आपको केस देखने मिलेगा। अगर आपको चेंज करना है तो ओनली फॉर आप इस कैप्सूल यानी कि जो वॉच है उसको निकालो, उस नए फ्रेम में डालो, एक नया वॉच आपका बन जाएगा। वापस अगर आपको वो फ्रेम नहीं चाहिए, भाई मुझे नॉर्मल सा डिजाइन चाहिए, तो वापस से इसी वॉच को निकालो और वापस से नॉर्मल वाले स्ट्रेप लगाओ और एकदम नॉर्मल सा वॉच वापस बन जाएगा। तो एक ही वॉच में आपको दो काम मिल जाएंगे, मतलब कि एक ही वॉच के आपको दो डिजाइन मिल जाएंगे, एक अलग से जो स्पोर्टी लुक आपको जो चाहिए जो आपको मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा, एक अलग से आपको एक नॉर्मल डिजाइन मिल जाएगा। मतलब कि यहां पर जो डिजाइन है ना वो एक अलग से डिजाइन आपको एक एक्स्ट्रा डिजाइन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। जो सीरीज का नाम है K6, एक अलग से केस आपको मिलेगा जिसमें कि आप वॉच ओनली फॉर इस कैप्सूल को डाल लो, एक नया वॉच आपका बन जाएगा। तो एक ऐसा डिजाइन आपको देखने मिलेगा, मल्टीपल कलर चॉइस है, फुल ऑन मेटालिक बिल्ड आपको देखने मिलेगा, क्राउन बटन मिलेगा जो कि वर्किंग कंडीशन में देखने मिलेगा। तो डिजाइन का फंडा आप समझ गए। बात आती है डिस्प्ले की, तो भाई देखो यहां पर 1.95 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, AOD का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन भाई ब्रांड ने अभी ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि जो डिस्प्ले है वो कौन सा आपको मिलेगा, HD मिलेगा, फुल HD मिलेगा या फिर यहां पर आपको AMOLED मिलेगा, वो कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है। लेकिन डिस्प्ले जो है वो अच्छे पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में आपको देखने मिलेगा। बाकी एक हाईलाइटिंग पार्ट की भाई जो फीचर्स आपको मिलते हैं फायरबोल्ट के अधिकतर स्मार्ट वॉच में, जैसे कि NFC कंट्रोल हो गया, मोशन सेंसर हो गया, SOS का फीचर हो गया, वो सारे फीचर्स आपको यहां पर देखने मिलेंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। एंड भाई यहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो ये हो गए इसके मोटे मोटे फीचर्स, बाकी जो सेंसर वगैरह मिलते हैं, कैलकुलेटर कैलेंडर वगैरह, वो सब कुछ आपको देखने मिल जाएंगे। अब देखो भाई ये जो चीजें है ना वो आपको नॉर्मल वॉच, जो फायरबोल्ट की नॉर्मल वॉच आती है 3,000 से 4,000 की, उसमें भी देखने मिल जाती है, जैसे कि वायरलेस चार्जर हो गया, NFC हो गया, मोशन सेंसर हो गया, वो सब कुछ आपको 3,000 से 4,000 वाली वॉच में मिलते हैं जो कि भाई फायरबोल्ट की ही वॉच आती है। लेकिन यहां पर एक चीज चेंज है इस वॉच की सीरीज में, जो कि है भाई एक अलग से केस आपको मिल रहा है। उस केस अलग होने की वजह से इसका जो प्राइस है ना वो आप बांध के चल सकते हो बिल्कुल डबल हो गया है। देखो ये लॉन्च होगा 25 दिसंबर को Amazon एंड Flipkart दोनों पर आपको देखने मिल जाएगा, दोनों पर अवेलेबल रहेगा दिन में 12 बजे। एंड जो इसका स्पेशल लॉन्च प्राइस आया है वो है 6,000 रुपए, यानी कि 5,999, जो कि फर्स्ट सेल के लिए होगा, बाद में जो प्राइस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट सेल की जो प्राइस होगा वो 6,000 रुपए है। अब आप मुझे बताओ कि भाई इसमें जो डिजाइन है, जो क्वालिटी है, जो फीचर्स है, उसके हिसाब से क्या इसमें आप 6,000 रुपए डालोगे, क्या आप इस वॉच को 6,000 रुपए में बाय करोगे, ये मुझे बताना। मुझे जो वॉच है वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगा। भाई एक केस अलग से मिल रहा है ना, आपने देखा होगा, मैं कौन सी स्मार्ट वॉच बताऊं, पेबल ने एक वॉच लॉन्च की थी 3,000 रुपए की, उसमें भी आपको एक अलग से केस ऑप्शन देखने को मिल रहा था, जो कि आपको इसमें देखने मिल रहा है। समथिंग मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक
प्रीमियम वॉच ही थी, 3,000 से 3,500 के समथिंग प्राइस था, इतना प्राइस नहीं था। और जो फीचर्स है वो भी पूरे वहां पर आपको देखने मिल रहे हैं, अलग अलग से आपको वहां पर केस का ऑप्शन भी देखने मिल रहा था। भाई देखो 6,000 इसका प्राइस मुझे काफी ज्यादा लगा। और अभी तो डिस्प्ले का भी पता नहीं है कि भाई डिस्प्ले कौन सी है, ओलेड है, एमोलेड है या फिर कोई एचडी डिस्प्ले है, वो अभी कंफर्म नहीं है। 6,000 पूछा प्राइस मुझे काफी ज्यादा लगा। इसका प्राइस 4,000 से 4,500 रुपए अगर होता, मे बी भाई ये जो वॉच है एक अच्छा सेल होता, एक अच्छी हाई बनाती। मुझे नहीं लगता कि भाई 6,000 रुपए में आपको ये वॉच बाय करना चाहिए, उससे अच्छा भाई आप कोई दूसरा एक प्रीमियम वॉच इसके बजाय बाय कर सकते हो। वैसे आपके इस वॉच को 6,000 की प्राइस में बाय करना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।